हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएनएस फूड ऑफ फ्लेवर। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक मजेदार मसाला पूरी की रेसिपी, जो बनने में बहुत ही आसान है और इन्हें आप कभी भी बनाकर या किसी त्योहार पे बनाकर त्योहार का मजा दोगुना कर सकते हैं, और ट्रेवल और टिफिन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मसाला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे। ये धुली हुई उड़द की दाल है, जिसे 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये मैंने एक छोटी कटोरी दाल ली है। अब इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। दाल को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद इसमें ऐड करोगे 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच जीरा। इसके बाद इसमें 2 हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे और इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। दाल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम आटा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जितनी दाल ली थी उससे दुगना आटा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हींग। एक चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इन सभी सूखे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल या घी आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, और इसे हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसी हुई दाल की पिठी और इसे अच्छे से भूनेंगे। हम इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें दाल से ही आटे को तैयार करेंगे और एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे। पूरी पिसी हुई दाल डालने के बाद भी अगर आपका आटा नहीं लगता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का यूज कर सकते हैं और एक हार्ड डो तैयार कर लें। मैंने एक हार्ड डो तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देंगे। आटे को खोल कर देखेंगे, आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। लोई मैंने बना ली है, अब हम इन्हें बेलेंगे। इसके लिए लोई पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इन्हें थोड़ा सा थिक बेल लेंगे। हमें ये मसाला पूरी हल्की सी थिक बेलनी है। इसी तरह हम बाकी की लोइयों को भी बेल लेंगे। सभी पूड़ियों को मैंने बेल लिया है और कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें ऑयल मीडियम टू हाई गर्म चाहिए। इन पूड़ियों को हम हल्का सा क्रिस्पी ही फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छा क्रिस्पी होने तक हम इन्हें तल लेंगे। हमारी पूड़ी फ्राई हो गई, हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी पूड़ियों को एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। सभी पूड़ियों को मैंने फ्राई कर लिया है। हमारी पूड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए अब इन्हें पैकिंग कर लेते हैं। आप
आप इन्हें अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी या रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है एक डिफरेंट मसाला पूरी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।